नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं गूगल एडसेंस के आरपीएम के ऊपर, यानी कि एडसेंस में आपको पर 1000 इम्प्रेशंस पे क्या आरपीएम आता है। आरपीएम भी दो तरीके के होते हैं, इम्प्रेशंस आरपीएम एंड पेज आरपीएम। सो हम बात करने वाले हैं पेज आरपीएम्स के ऊपर, क्योंकि दैट इज़ ऑल पेज आरपीएम जो होता है आपका, उसके अंदर क्लिक्स का भी आपका वैल्यूएशन होता है, यानी कि क्लिक्स की जो अमाउंट आप जनरेट करते हैं वो पेज आरपीएम के अंदर ऐड होती है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स द प्रॉब्लम विद इंडियन ब्लॉगिंग सिस्टम इज कि पेज का आरपीएम बहुत कम आता है। अगर आप पूरे दिन में जाके $1-2 ही कमा पा रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ दिक्कत है, और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एडसेंस का करंट अकाउंट दिखाता हूँ, जो अभी लाइव उस पर मेरे को क्या आरपीएम मिल रहा है, उसी बेसिस पे मैं आपको बताना चाहूँगा आगे कि हम ऐसे आरपीएम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, ताकि अगर हम किसी चीज़ में एफर्ट डाल रहे हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो उसका हमको ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसका हम बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहले ये मेरा एडसेंस का अकाउंट है, ऊपर की कुछ डिटेल्स आपको ब्लर दिख रही होंगी, फॉर द ऑब्वियस रीजंस आई कैन नॉट डिस्क्लोज द अर्निंग्स। मेरा केवल मकसद यहाँ पे आरपीएम दिखाने का है आपका, ठीक है। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ सो दैट आपको ना लगे। तो ये पहले 14.85 था आरपीएम, स्टिल इट इज़ 14.85, और रिफ्रेश हो गया पेज, और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो दैट मीन्स ये काफ़ी अच्छा खासा आरपीएम जनरेट कर रहा है, और पूरे दिन में काफ़ी अच्छी अर्निंग करके ये मुझको देगा। तो अब ये आरपीएम मैंने कैसे अचीव किया, देखिए बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें आपको सिखाया जाता है कि कैसे ब्लॉगिंग करनी है और गूगल एडसेंस पे कैसे अर्न करना है, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस जो आपको सिखा रहे हैं वो आपको इंडियन या एशियन कंट्रीज़ को टारगेट करना सिखा रहे हैं। वो मोस्ट ऑफ द आप जो गलती कर रहे हैं आप कर रहे हैं एशियन कंट्रीज़ को टारगेट, दैट मींस इंडिया को मेजॉरिटी, और आपके दिमाग में इंटरनेशनल ऑडियंस का नामो निशान भी नहीं है। देखिए अगर आपको कम मेहनत में, यानी कि आपके पेज व्यूज़ कम रहे लेकिन आपका आरपीएम ज़्यादा होगा, तो आप उसमें भी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप टारगेट करेंगे इंटरनेशनल ऑडियंस को, जो कि है अमेरिका, यूके, कनाडा एंड यूक्रेन, ब्राज़ील, तो ऐसी कंट्रीज़ में आपको बहुत सारा आरपीएम मिलता है, बहुत ज़्यादा आरपीएम मिलता है। इनफैक्ट कई कई बार तो $100 के ऊपर भी होता है ऐसा आरपीएम। तो आप सोच सकते हैं कि इसके अंदर आप कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले जो करना है वो करना है कीवर्ड का रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च करने के बाद इसमें बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं ब्लॉगिंग के अंदर, ये कोई इजी थिंग नहीं है। जैसा बताया जाता है कि आपने फटाक से किया ऐसा किया, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए होता है, बट अगर आप रियल में ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो सबसे पहला जो इंटीग्रल पार्ट इसका है दैट इज़ द कीवर्ड रिसर्च। और कीवर्ड रिसर्च करने के लिए बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं, मैं खुद पर्सनली यूज़ करता हूँ सेमरश, हालांकि वो बहुत महंगा टूल है, लेकिन आप भी उस टूल को यूज़ कर सकते हैं बहुत ही सस्ते में। अगर बहुत सस्ते में उसको यूज़ करना, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसमें ज्वाइन करिए, मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आप सस्ते में सेमरश यूज़ कर सकते हैं फॉर द कीवर्ड रिसर्च, और उसके बाद आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे वीडियो मैं आपका चक्षु खोलने की कोशिश कर रहा था कि कैसे आप हाई आरपीएम ब्लॉगिंग के ऊपर स्विच करके ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।